नमस्कार मैं शशि आइए झारखंड के टॉप खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज कई विभागों की करेंगे समीक्षा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दो दिन मंगलवार और बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में सरकार के विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे मंगलवार को दोपहर अढ़ाई बजे से मुख्यमंत्री तेरह विभागों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास कल्याण महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा कृषि पेयजल एवं स्वच्छता ऊर्जा छात्र छात्राओं के शिक्षा के लिए आर्थिक मदद संबंधी योजनाओं की जानकारी लेंगे वे जनजातीय भाषा शिक्षक नियुक्ति से अवगत होंगे वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों में पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय की बहाली के प्रावधान भी जानेंगे इसके लिए वे श्रम विभाग अंतर्गत चल रहे झार नियोजन पोर्टल पर नियोजकों के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के कार्य योजना की जानकारी लेंगे वे राज्य के कुशल युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार की संभावना की पहचान करने की श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी लेंगे बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव पुलिस महानिदेशक प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिलों के आयुक्त भी उपस्थित रहेंगे आज 1250 संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल झारखंड के 1250 बीत पचास रहित शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी संस्थानों का न तो ताला खुलेगा और न ही पठन पाठन होगा बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन की अगली कड़ी में शैक्षणिक हड़ताल की जा रही है और शिक्षा सचिव का पुतला दहन भी किया जाएगा मोर्चा ने तीन सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा है मोर्चा जैक की ओर से इंटर कॉलेज में नामांकन चौगुना आंदोलन के लिए विभागीय प्रस्ताव को विधि और वित्त की सहमति के बाद मंत्रिपरिषद भेजने और बिहार के शिक्षकों के तर्ज पर बीत रहित स्कूल इंटर कॉलेज के शिक्षक कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहा है वहीं मोर्चा के रघुनाथ सिंह और कुंदन सिंह ने बताया है कि राज्य में एक प्रस्वीकृत इंटर कॉलेज हैं मात्र तिरासी कॉलेज में सीट बढ़ोतरी पूर्व में हुई है नई शिक्षा नीति के लागू होने के कारण राज्य के कई विश्वविद्यालय के कुलपति ने इंटर में नामांकन लेने से मना कर दिया है नक्सलियों की शरणस्थली को चिन्हित कर चलेगा अभियान राज्य पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नक्सल व विधि व्यवस्था की सोमवार को समीक्षा की है डीजीपी ने नक्सल क्षेत्र में पुलिस व केंद्रीय बलों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिया कि नक्सलियों की शरणस्थली को चिन्हित कर संयुक्त अभियान चलाए डीजीपी ने कहा है कि राज्य में बचे हुए नक्सलियों के ख़िलाफ़ सूचना जुटाकर कारगर अभियान चलाए डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि फरार उग्रवादियों की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाकर उसकी जब्ती का प्रस्ताव भेजे फरार नक्सली कमांडरों के खिलाफ घोषित इनाम के प्रस्ताव की भी उन्होंने समीक्षा की है बता दें डीजीपी ने झारखंड में जे पी एस व जे परीक्षा को लेकर हुए अपराध व उन मामलों में हो रही जाँच की भी समीक्षा की है केंद्र में गठित नए मंत्रिमंडल में झारखंड का उपहास जेएमएम झामुमो ने केंद्र में गठित मंत्रिमंडल में झारखंड का उपहास करने का आरोप लगाया है पार्टी ने कहा है कि मंत्रिमंडल में झारखंड के लिए जो हक और सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा है कि सरना धर्म कोड पिछड़ा वर्ग को सत्ताईस आरक्षण जातीय जनगणना को लागू करने के लिए झारखंड की उचित हिस्सेदारी नितान्त जरूरी थी उन्होंने कहा है कि केवल एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री यह कहीं से सही नहीं है उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में सात सदस्य अभी भी खाली है प्रधानमंत्री के साथ कुल अस्सी सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है अभी तिहत्तर सदस्यों ने ही शपथ लिया है ऐसे में झारखंड के हित में बचे सात सदस्यों में से कम से कम एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री झारखंड को मिलना चाहिए आदिवासी मूलवासी का विकास झमों की नियत में नहीं भाजपा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झामो की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि झामो और गठबंधन सरकार किसी भी सूरत में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विकास नहीं चाहती साढ़े चार वर्षों में यहाँ वायदे के अनुसार 22.5 लाख सरकारी नौकरियाँ होनी चाहिए थी मगर ये घोषणा हवा हवाई साबित हुई है उन्होंने कहा है कि महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्तमान मंत्री आलमगीर आलम दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है प्रतुल साहदेव ने कहा है कि भाजपा के केंद्र कैबिनेट में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान दिया गया है आदिवासी मूलवासी के नाम पर नाटक करने वाले झामों को थोड़ा मंत्रीगण मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता के विषय में भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए गरीबों के लिए तीन करोड़ घर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार तीन करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की के पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है भारत सरकार बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए दो हज़ार से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है पी के तहत पिछले दस वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल चार पॉइंट दो एक करोड़ घर बनाए गए हैं इन घरों को केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय एल कनेक्शन बिजली कनेक्शन नल कनेक्शन आदि सुविधा प्रदान की जाती है कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है आलमगीर आलम आलंग का मंत्री पद से इस्तीफा कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम आलंग ने सोमवार को मंत्रिमंडल और विधायक दल के नेता दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है आलम ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है टेंडर मैनेज और कमीशनखोरी मामले में ईडी ने आलमगीर को गिरफ्तार किया था तब से वे जेल में बंद हैं इस्तीफा से पहले आलमगीर के विभागों को उनसे वापस ले लिया गया था बता दें कि आलमगीर के आपस सचिव के नौकर के यहाँ ईडी ने छापेमारी में बत्तीस करोड़ रुपए बरामद किए थे हेमंत सोरेन की जमानत पर सुनवाई शुरू हाई कोर्ट में सोमवार को बरयातु के बड़गाय की 8.86 एकड़ जमीन के गड़बड़ी मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई है सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी को 12 जून को पक्ष रखने का निर्देश दिया है पूरी सुनवाई के दौरान गांडे विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट में मौजूद रही जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि बड़गाई की आठ पॉइंट आठ छः एकड़ जमीन भोई हरित प्रकृति की है इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता इसका मालिकाना हेमंत सोरेन के पास नहीं है कब्जे की बात गलत है ईडी के पास इसका कोई दस्तावेज भी नहीं है यह जमीन विवाद सिविल मैटर है क्रिमिनल नहीं अन्नपूर्णा देवी को महिला बाल विकास संजय बने रक्षा राज्य मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कैबिनेट में झारखंड से जुड़े चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री से कैबिनेट में प्रणत हुए कोडारमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को महिला व बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई वहीं रांची सांसद संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सोमवार देर शाम सभी मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कैबिनेट में अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री थी जबकि महिला व बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी है ऐसे में इस विभाग की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा देवी को दी गई है वहीं मोदी थ्री पॉइंट जीरो में रक्षा मंत्रालय दोबारा राजनाथ सिंह को मिला है उनके अधीन राज्य मंत्री का काम संजय सेठ देखेंगे नशे के कारोबार में शामिल पुलिस कर्मियों की भी जांच हो हाई कोर्ट राज्य में मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम के लिए हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए अब तक क्या क्या, क्या, क्या कदम उठाए गए उठाए गए कदम के बाद मादक पदार्थों की बिक्री में कितना नियंत्रण हुआ है इसका संपूर्ण ब्यौरा कोर्ट ने अठारह जून तक पेश करने का निर्देश दिया अदालत ने इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जवाब मांगा है मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि सरकार नशीले पदार्थों के कारोबार करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चला रही है कई लोगों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है वहीं राज्य में बने एसओपी के तहत कार्रवाई करने के निर्देश सभी जिलों के डीसी और एसपी को दिया गया है कल्पना सोरेन ने ली पद और गोपनीयता की शपथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा के सदस्य पद की शपथ ले ली है कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा से नौ निर्वाचित विधायक हैं कल्पना सोरेन को झारखंड विधानसभा के स्पीकर कक्ष में शपथ दिलाई गई विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कल्पना को विधानसभा में अपने कक्ष में शपथ दिलाई इस दौरान कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे बता दें लोकसभा चुनाव के साथ हुए गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में झामो के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को मात दी थी धन्यवाद